Hello friends, welcome to my YouTube channel. आज हम फिर पनि रेशियो एन्ड प्रोपोर्शन को एउटा नयाँ क्वेशन लिएर आएको छु. जहिले पनि रेशियो एन्ड प्रोपोर्शन निकाल्दाखेरि हामीले चाहिँ लेट गर्नुपर्ने हुन्छ. यहाँ हेर्नु, इफ ए एन्ड बी एन्ड सी, इफ ए बी सी डी आर इन कन्टीन्युअस प्रोपोर्शन, कयो चाहिँ कन्टीन्युअस प्रोपोर्शन हो भने प्रूफ द्याट यो हामीले एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस प्रूफ गर्नुपर्ने छ. त्यसै गरेर फर्स्ट रुमा चाहिँ हामीले सोल्युसन पहिला सुरुमा कन्टिन्युस प्रोसेस भनेपछि ए बाई बी इजकल टु बी बाई सी इजकल टु सी बाई डी इजकल टु के लेट गर्ने. लेट जहिले पनि कन्टिन्युस प्रोसेस भन्ने बित्तिकै ए बाई बी बी बाई सी सी बाई डी इजकल टु के लेट गरिहाल्नुपर्छ. अब ए इजकल टु यहाँ ए ए इजकल टु चाहिँ बिके हुन्छ, बी अनि यो इन्टु के बिके. अब बी इजकल टु सी अनि के सिके. अब सी इजकल टु डी अनि के डिके. अब बी भनेको चाहिँ यहाँ बी को भ्यालु कति छ, सी के छ कि छैन, त्यही भएर सी के अनि यो के को इन्टु के इजकल टु. अब सी के भनेको चाहिँ, अब सी भनेको कति देख, यहाँ सी भनेको डिके छ, त्यही भएर यहाँ सी को ठाउँमा हामीले डिके अनि यो के र के मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के स्क्वायर इजकल टु डिके क्युब भयो. त्यस्तै गरेर अब सिके भनेको ठाउँमा चाहिँ सी को भ्यालु चाहिँ डिके छ, त्यही भएर सी को भ्यालुमा सी को ठाउँमा डिके इन्टु के यो के यहाँ आयो इजकल टु डिके स्क्वायर. अनि सी भनेको डिके हो जस्ताको त्यस्तै. अब हामीले एलएचएस पहिला लिऊँ. एलएचएसमा के छ भन्दाखेरि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. अब हाम्रो ए को ठाउँमा चाहिँ ए को भ्यालु चाहिँ राख्ने, हामीले ए बी सी को भ्यालु यहाँ राख्ने. अब ए भनेको चाहिँ कति देख, यहाँ भन्दाखेरि डिके क्युब देख, त्यही भएर ए भनेको डिके क्युब भयो. डिके क्युबको ए को स्क्वायर भएर त्यही भएर यहाँ स्क्वायर राख्ने. प्लस अब बी भनेको चाहिँ, बी भनेको डिके स्क्वायर डिके स्क्वायर. अब बी को स्क्वायर छ त्यही भएर यहाँ स्क्वायर भयो. प्लस सिके भनेको, सी भनेको चाहिँ डिके छ, डिके छ त्यसको स्क्वायर भयो अपन. अब बी भनेको डिके स्क्वायर भयो, अब बी स्क्वायर भनेको स्क्वायर यहाँ आयो माथि. प्लस सी भनेको डिके भयो, डिके को स्क्वायर प्लस डी स्क्वायरको जस्ताको त्यस्तै इजिकल टु. अब डी स्क्वायर भयो, डीले स्क्वायर मल्टिप्लाई गर्दा डी स्क्वायर भयो, के सिक्स भयो प्लस डीले स्क्वायरसँग मल्टिप्लाई डी स्क्वायर अनि के को पावरमा टु इन्टु टु फोर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर अपन. अब डी स्क्वायर, डीले स्क्वायरसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि डी स्क्वायर अनि के स्क्वायर स्क्वायर के को पावर फोर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पावरसँग प्लस डी स्क्वायर. त्यस्तै गरेर अब हामीले यहाँ डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर सेम भएको भएर डी स्क्वायर कमन लिएको अनि यहाँ के को पावरमा सिक्स के को पावरमा फोर के स्क्वायर भएको भएर के स्क्वायर कमन आयो. अब के स्क्वायर कमन आइसकेपछि के को पावरमा फोर बाँकी भयो, यहाँ के को पावरमा सिक्स थियो भने के स्क्वायर बाहिर आइसक्यो भनेपछि यहाँ के को पावर सिक्स एक एकको पावर फोर यहाँ बाँकी भयो. प्लस अब के स्क्वायर बाहिर आइसक्यो, डी स्क्वायर पनि बाहिर आइसक्यो भनेपछि अब के स्क्वायर बाँकी भयो प्लस अनि डी स्क्वायर पनि बाहिर आइसक्यो के स्क्वायर पनि बाहिर कमन आइसक्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ वान बाँकी भयो अपन. यहाँ पनि डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर कमन आयो अनि के को पावर फोर डी स्क्वायर बाहिर आएपछि के को पावर फोर भयो प्लस के स्क्वायर प्लस यहाँ डी स्क्वायर बाहिर आइसकेपछि यहाँ केही नभएपछि वान हुन्छ. अब यो र यो सेम हो त्यही भएर अपनमा भएको भएर यो काट्यो डिभाइडमा. अब यो डी स्क्वायर र डी स्क्वायर पनि काट्यो, यहाँ के बाँकी भयो भने के स्क्वायर बाँकी भयो अगेन. त्यस्तै गरेर अब हामीले आरएचएस लिने, आरएचएसमा ए स्क्वायर प्लस बिसी अपन बी स्क्वायर प्लस सिडी छ. अब त्यस्तै गरेर यहाँ पनि ए को भ्यालु बी को भ्यालु सी को भ्यालु राख्ने. ए को ठाउँमा कति थियो भन्दाखेरि हाम्रो डिके क्युब थियो ए भनेको अघि लेट गरेको हामीले. प्लस अब बी भनेको, बी भनेको डिके स्क्वायर सी भनेको चाहिँ
डी के थियो अपन होल अपन बी भनेको चाहिँ डी के स्क्वायर भयो स्क्वायर को ए बी स्क्वायर छ त्यही भएर स्क्वायर आयो प्लस सी भनेको डी के इन्टु डी यो जस्ताको त्यस्तै डी अब इजिकल टु अब यो डी ले स्क्वायर सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि डी स्क्वायर भयो के 3 इन्टु 2 गर्दाखेरि 6 भयो के को पावर 6 प्लस डी डी र डी मल्टिप्लाई गर्दा डी स्क्वायर के र के स्क्वायर इन्टु के मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के क्यूब भयो अपन अब यहाँ चाहिँ डी स्क्वायर के को पावर 4 प्लस डी स्क्वायर के भयो इक्वल टु यहाँ चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि डी स्क्वायर कमन आयो डी स्क्वायर कमन आयो के को पावर 3 पनि कमन आयो के को पावर यहाँ 3 छ के क्यूब छ यहाँ के को पावर 6 छ त्यही भएर यहाँ कति बाँकी भयो भन्दाखेरि के को पावर 3 प्लस अनि यो डी स्क्वायर र के को पावर 3 बाहिर आइसकेपछि के को पावर 1 भयो एक कुनै पनि बाँकी भएन त्यही भएर यहाँ 1 भयो अपन अब यहाँ पनि डी स्क्वायर कमन आयो अनि यो के कमन आयो के मात्र कमन आयो अनि के कमन आइसकेपछि के को पावर 4 थियो भनेपछि यहाँ 3 भयो प्लस अनि 1 भयो यो रियो काट्यो अनि डी स्क्वायर पनि काट्यो त्यसपछि के बाँकी भयो भन्दाखेरि हामीलाई के को पावर क्यूब अपन के बाँकी भयो त्यस्तै गरेर के को पावर क्यूब अब के को पावर क्यूब अनि यो के माथि जाँदाखेरि माइनस 1 भयो पावर त्यही भएर के स्क्वायर भयो हेन्स एलएचएस इजिकल टु आरएचएस प्रुभ भयो त्यस्तै गरेर